टॉकली टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों ये है महिंद्रा की बुलेरो न्यू। तो ये आप इसको ना ऐसा कंसीडर करिए कि एक हैचबैक के जो है प्राइस सेगमेंट में आपको एसयूवी वाला जो है एसयूवी जो है डीजल इंजन के साथ में जो आपको फील दी जाए, ये वो वाली जो है महिंद्रा की कह सकते हैं एसयूवी रहने वाली है। तो आती है ये रियर व्हील ड्राइव के साथ में। अब ये जो है 2022 का 2022 का नया वाला जो इसमें कि नया लोगो मिल रहा है वो वाला वेरिएंट आप ये देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये नया लोगो भी मिल जाएगा। ये बेसिकली जो है अगर वेरिएंट्स की बात करूँ ना इसके मैं बुलेरो नियो के, तो इसमें जो वेरिएंट है सबसे बेस जो मिलता है आपको वो मिलता है N4, फिर इसका जहाँ आता है N8, फिर N10R, फिर जो है N10। तो ये मतलब टोटल चार वेरिएंट में आपको मिलती है। और जो ये वेरिएंट अभी आपके सामने ये जो है आप देख रहे हैं इसका सेकेंड बेस जो कि N8 वेरिएंट है। तो बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। सिर्फ और सिर्फ डीजल में ही आती है, जैसा कि मैंने बताया एक एसयूवी जो है बॉडी प्रोफाइल के साथ में एंट्री लेवल हैचबैक के प्राइस में ये डीजल एसयूवी है। और इसकी एक्सशोरूम रहती है 10 लाख रुपये, 10 लाख की इस वाले वेरिएंट की बता रहा हूँ मैं। इससे ज़रा बेस लेंगे आप N4 वाला तो वो 9,29,000 रुपये का एक्सशोरूम पर कॉस्ट करेगा। तो N8 में क्या क्या मिलता है सेकेंड बेस में फटाफट से चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको जो है साइड प्रोफाइल जरा भी नहीं लगती इसकी कि ये एक अंडर 4 मीटर की जो है यहाँ पर महिंद्रा की ओर से आने वाली रियर व्हील ड्राइव वाली एसयूवी होगी। देख लीजिए इसकी लेंथ की बात करूँ ना, इसकी जो लेंथ आपको मिलती है ना वो ओवरऑल जो लेंथ है अंडर 4 मीटर की लेंथ है इसकी, 3995 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ रहती है। व्हील बेस की बात करी जाए तो व्हील बेस भी आपको अच्छा खासा इसका 2680 mm का मिल रहा है, अच्छा खासा इसका व्हील बेस आपको मिल रहा है जो कि थार से भी ज़्यादा रहता है। कंपेयर अगर आप करें जो है नेक्सॉन से या फिर XUV300 से भी कंपेयर कर लेना, उनसे भी इसका ज़्यादा व्हील बेस रहेगा। और जो इसकी हाइट रहती है वो रहती है 1817 mm की, जिससे कि अच्छा खासा हेडरूम मिलेगा आपको इसमें। साथ ही साथ आपको विड्थ भी अच्छी खासी 1795 mm की इसकी मिल जाती है। और जैसे ही फ्रंट में आते हैं तो फ्रंट में सबसे पहले जो नया लोगो मिला है ना वो काफ़ी इसमें प्रीमियम सा लगता है। और एक नया जो है कह सकते हैं ना चार चांद ये जो है इस बुलेरो नियो में लगाई देता है। बाकी फ्रंट की ग्रिल आपको ऐसी ग्लॉसी ग्रे कलर में मिलती है, ये हेक्सागोनल शेप में आपको ये आपको यहाँ पर मिलेंगे फ्रंट में। आपको जो है फ्रंट की ग्रिल ऊपर और नीचे भी आपको हेक्सागोनल शेप में, नीचे की रेडिएटर ग्रिल भी यहाँ पर शेप हेक्सागोनल ही रहता है। ये बीच में पोर्शन ब्लैक रहेगा, बम्पर ये आपको डुअल टोन कलर में मतलब जो बॉडी कलर का होगा वो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ ब्लैक पोर्शन भी इसमें मिलता है। बाकी लाइटिंग सेटअप आपको इसमें हेलोजन में ही रहने वाले हैं, साइड में पायलट लैंप और आपको यहाँ पे हेलोजन में इंडिकेटर दे दिए जाते हैं। और नीचे जैसे आप आएंगे तो इसमें फॉग लैंप्स नहीं मिलेगा, बाकी इंस्टॉल करवाना चाहें एसेसरीज़ में तो वो एड ऑन हो जाएंगे। और जैसे ही साइड की ओर चलते हैं तो साइड से आप देखें तो इसमें मिलती है टायर प्रोफाइल 215/75R15 की, तो मतलब 15 इंच के आपको जो है यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलेगी। और जो स्टील रिम भी ब्लैक कलर के 15 इंच के दिए गए हैं। बाकी इसमें जो व्हील कैप आएंगे उनमें भी आपको जो है महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिल जाएगा। साइड से जो क्लैडिंग है वो भी काफ़ी जो है आपको जो है बहुत पतली मिलती हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 180 mm का अच्छा खासा रहता है। बाकी फुटरेस्ट लगेंगे तो और काफ़ी अच्छी जो है आपको अंदर एंटर करने में काफ़ी जो है एक तरीके से सहूलियत होगी। इसमें साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है इसमें फेंडर पे, साइड क्लैडिंग आपको प्रॉपर यहाँ पर दे दी जाती है इस तरीके से जो कि मर्ज होती हैं इसमें एक तरीके से बीच में आ जाता है इनका डोर हैंडल। ORBMs पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर नहीं मिलते, ORBMs कुछ ऐसे मिलेंगे आपको स्कॉर्पियो स्टाइल में। और बाकी अगर रियर की बात करें तो रियर में जो आपको इसमें काफ़ी बड़ा ये देख लीजिए आपको फ्यूल लीड काफ़ी जो है बड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, 50 जो है लीटर की इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। और DPF भी आपको शायद इसी में यहीं से भरवाना पड़ता है, ये अंदर से जो है ओपन होगा। और जैसे ही रियर से आप देखते हैं तो रियर से कुछ ऐसा लगता है इसमें वाइपर और डिफॉगर आएंगे N8 वेरिएंट में, ऊपर स्पॉयलर मिल जाएगा छोटा सा, इसमें रूफ रेल्स नहीं दी गई हैं, टेल लैंप एज अ हेलोजन में ही मिलने वाली हैं। और यहाँ पे आपको पीछे का डोर हैंडल बुलेरो न्यू यहाँ पे लिखा हुआ, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ दिए गए हैं और स्पेयर व्हील पांचवा आपको जो स्पेयर व्हील है टायर जो है यहाँ पर पीछे टंगा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से इंटीरियर में आप एड ऑन जो है एंटर होते हैं तो यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है इसका पूरा कवर मिल रहा है आपको, इस पर भी आपको जो है नया लोगो जो कि आप ये देख रहे हैं
ये लगा हुआ आपको ये देखने को मिलता है। पीछे आपको जंप सीट मिलती है जो कि साइड आपको फ्रंट फेसिंग आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। इस तरीके से ये पूरे बन जाती है 7 सीटर। तो इसको यूज़ ना करके 5 सीटर यूज़ करेंगे तो आप इसे एज आ बूट स्पेस यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पीछे का प्रोफाइल रहेगा इसका ये। अब चलें जरा जो है इसके इंटीरियर सेक्शन की ओर। इंटीरियर में बात करते हैं फटाफट से, इंटीरियर में और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। बाहर से तो आपको मैंने पहले बता दिया सारी चीज़ें इसमें क्या क्या मिल रही है। 15 इंच के स्टील मिल रहे हैं 215/75 प्रोफाइल के साथ में। पीछे एक स्पेयर व्हील मिलता है। कैमरा वैमरा कुछ नहीं मिलेगा, वाइपर डिफॉगर इसमें मिल जाएगा आपको। अब इंटीरियर में जैसे ही जो है हम एंटर करते हैं, तो यहाँ आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पैनल्स हैं, डोर पैनल्स, ये पूरे हार्ड प्लास्टिक में दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आप ये देखें। यहाँ पे कोई भी जो है डोर के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, विंडो के कंट्रोल्स। स्पीकर की ग्रिल मिल जाएगी, 4 स्पीकर इसमें रहते हैं साइड बाई साइड डोरों के। और वायर फोल्डेबल आप हाथ से ही करेंगे, एडजस्ट यहाँ भी मैनुअल से ही आपको करना पड़ेगा। सीट हैं, सीटें जो हैं आपको यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिलती हैं, लेकिन ये फैब्रिक में ये सीटें रहने वाली हैं। जैसे ही पीछे करेंगे तो चाबी जो मिलती है इसमें, एक ही सेंटर रिमोट लॉकिंग मिल रही है, दूसरी फ्लिप की मिलेगी आपको कुछ इस तरीके की। आपको ये फ्लिप की मिलती है दूसरी, और दूसरी आपको जो है एक सेंटर रिमोट लॉकिंग यहाँ पे आपको ऐसी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी ये कंट्रोल्स जो आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल्स आपको जो है इसके हेडलाइट के आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। हेडलाइट का जो है आपको बीम अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करनी है, ये पीछे डिफॉगर का, और पीछे जो है ये सारे जो है आपको ये कंट्रोल्स मिलेंगे। और अब ज़रा इंटीरियर में बैठ के बात करें, फटाफट से बात करेंगे। इंटीरियर में जैसे अगर आप बैठते हैं तो स्टीयरिंग ऐसा कुछ रहता है इसका। स्टीयरिंग पर नया लोगो जो कि आप देख रहे हैं। एडजस्टमेंट की बात करें, एडजस्टमेंट इसकी रहती है सिर्फ टिल्ट टाइप की। इस तरीके से टिल्ट टाइप एडजस्टमेंट है इसकी, टेलीस्कोपिक टाइप नहीं रहेगी। और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं इसको, जो इसकी जो है ऑडियो सिस्टम जो आपको ब्लूटूथ और FM आपको सपोर्टेड आपको मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला ये नहीं है, इसके कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे। और बाकी बीच में जो मीटर कंसोल है वो आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनालॉग में दिया गया है। कि अगर आप देखते हैं ये देखिए कितना भर्राटेदार इसका जो है AC ऑन है, तो मतलब मैनुअल AC इसमें आपको मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और मीटर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ इसका मीटर कंसोल, बीच में MID आपको जो है ऐसी मिलती है, बुलेरो न्यू लिखा हुआ। और जो है इसका RPM और जो स्पीड हो ये एनालॉग रहने वाला है। ये रहता है इसका TrueDyn का ऑडियो सिस्टम, FM और जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। ये AC रहेगा, मैनुअल AC जो है ज़्यादा कम यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी ये आपको USB ऑक्स का और ये 12 वोल्ट का सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी अभी इंजन की बात करेंगे, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं सेंटर कंसोल में, और साथ ही साथ ये कप होल्डर्स और ये हैंड ब्रेक रहेगा। डैशबोर्ड पूरा व्यू अगर आप देखें तो कैसा कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड का व्यू मिलता है। डे नाइट IRVM, ऊपर लैंप और माइक मिल जाएगा, और ये सनवाइजर पे टिकट होल्डर, और यहाँ पे मिलता है आपको को ड्राइवर वाले पे वैनिटी मिरर। तो ऐसा कुछ पूरा जो है डैशबोर्ड का व्यू, थोड़ा जो है डुअल टोन कलर में है, आपको जो है ब्राउन और आपको जो है ग्रे टेक्सचर में ये मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको ये आपको जो है AC पे थोड़ा सिल्वर फिनिश आपको मिलेगी, AC वेंट पे और सेंटर कंसोल में थोड़ा प्रीमियम लगता है डैशबोर्ड इसका। तो ये अभी पावर की बात करेंगे। फ्रंट में अगर आप देखें कितना स्पेस है तो अच्छा खासा है। बाकी सीटें भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, जिस हिसाब से इसकी बॉडी प्रोफाइल है वैसी इसकी सीटें काफ़ी चौड़ी दी गई हैं। अब थोड़ा जो है इसके पीछे के स्पेस की बात करते हैं, पीछे आपको इसमें कितना स्पेस मिल रहा है। अब रियर सेक्शन में चलें, जिस हिसाब से जो इसका व्हील बेस है ना 2600+ mm का, तो वैसा ही स्पेस आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। पावर विंडो के कंट्रोल साइड बाय साइड यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सेंटर कंसोल में देके छुट्टी कर दी हो, साइड बाय साइड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्पीकर यहाँ पे मिलेंगे आपको, बॉटल होल्डर। और सीटें वाकई में बहुत चौड़ी हैं, जैसा बॉडी प्रोफाइल है चौड़ी चौड़ी सीटें हैं उस हिसाब से इसमें दी गई हैं। कम्फर्ट आपको अच्छा खासा मिलेगा, और 3 लोग तो इसमें आसानी से बैठ सकते हैं, 3 से 4 भी होंगे, अगर दुबले पतले होते हैं तो 3 से 4 हो सकते हैं, लेकिन 4 से 5 बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी ज़्यादा भी चौड़ी नहीं है सीटें। तो मतलब 3 लोग कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। पीछे आपको साइड फेसिंग जंप सीटें मिलती हैं जैसा कि मैंने दिखाया था, तो ऐसा कुछ स्पेस मिलेगा। बाकी बूट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हें फोल्ड करके आप, तो स्पेस अच्छा खासा है। अगर मैं बीच में बात करूं, कोई भी सेंटर में आपको रियर आपको AC वेंट नहीं मिलता, ना कि आपको इसमें आपको रियर चार्जिंग सॉकेट भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा कुछ इसका जो है
रियर से आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब जिस हिसाब से बॉडी प्रोफाइल है, जिस हिसाब से व्हील बेस दिया गया है, उस हिसाब से इंटीरियर में स्पेस भी काफ़ी अच्छा जो है मैनेजमेंट यहाँ पर स्पेसिंग का आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। अब ज़रा इसके इंजन सेक्शन की बात करते हैं। जैसा ही ये इसका हुड ओपन होता है ना, तो फिर मैं बात करता हूँ इसके इंजन सेक्शन की। तो यहाँ से इसका जो है बोनट खोलते हैं, अच्छा खासा भारी है ये, और प्रॉपर आपको इंसुलेशन इसमें देखने को मिलेगी। तो ये रहता है इसका 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 100 bhp की। 100 आपको जो है bhp इसमें जो है पावर मिलती है, वो भी 260 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। और माइलेज मान के चलिए वही आपको जो है ऑन हाईवे, अगर आप अच्छे जो है एक स्टेबल फुट से चलाते हैं, तो वही 17 से 18 के आसपास इसमें डीजल में आपको माइलेज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी बुलेरो नियो, जो कि डीजल में आती है, 100 bhp की पावर, 260 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में प्रोड्यूस करती है। तो एक तरीके से उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एक डीजल SUV ढूंढ रहे हैं, और बजट है वही जो है 10 से जो है 12 लाख के बीच में, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको हैचबैक भी मिल जाती है आजकल। कई आपने बलिनो भी देखा होगा, बलिनो का टॉप मॉडल मिल जाता है, थोड़ा वो फीचर रिलेटेड है, लेकिन जिनको ये एक डीजल SUV चाहिए ना, थोड़ा टैक्सी पर्पज़ के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बुलेरो भी टैक्सी में बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो बुलेरो नियो थोड़ा एक प्रीमियम ऑप्शन हो सकता है बुलेरो से। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो बुलेरो नियो के N8 सेकंड बेस वेरिएंट की, जो कि आपने देखी। तो वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।